नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलाद एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि छुट्टियां जो है बच्चों की चल रही हैं, और बच्चों की छुट्टियां चलने की वजह से टीचरों का भी कुछ सिस्टम वैसे ही बन रहा है, आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में एक कार्रवाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो टीचर हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। तो देखते हैं कहाँ का मैटर है। निरीक्षण के दौरान 100 से अधिक शिक्षक अनमिले अनुपस्थित, बीएसए के निर्देश पर छापेमारी, मचा हड़कंप। तो अभी मौसम भी सर्द है और सबको सर्दी लग रही है, और बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो टीचर भी थोड़ा सा शिथिल हो रहा है। तो देखते हैं कहाँ का आदेश है और आदेश में क्या है। कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा सरकारी दस्तावेज रोस्टर के अनुसार 50 विधि बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विकसित शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे माहौल में शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति को जांचने के लिए अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो शुक्रवार को बीएसए के निर्देश में कई अलग अलग ब्लॉकों में स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा शिक्षक अनुपस्थित मिले। ऐसे समय में बीएसए और वैसे स्कूलों का निरीक्षण कराए जाने से शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों ने स्कूलों में रोस्टर जारी करने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि विभाग की ओर से जारी आदेश अस्पष्ट है, इस कारण शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। यूटा के जिला उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है, प्रदेश के सभी स्तर पर 30 जनवरी तक स्कूल बंद था। ऐसे में बेसिक शिक्षक भीषण ठंड के दिनों में जाकर विभाग के सभी कार्य वैसे वैक्सीनेशन में जिसकी ड्यूटी लग गई होगी उसकी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भैया वैक्सीनेशन में जो है बड़ी दूर दूर तक ड्यूटी लगाई गई। 14-15+ बच्चों का जो सर्वे है, राशन वितरण आदि पूर्ण कर रहा है, इसके बावजूद ऐसे औचक निरीक्षण उचित नहीं। निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं या विद्यालय बंद मिले हैं, दो जोड़ हैं, वह विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश ना होने के कारण उनमें आरोप फैसला लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है बेसिक शिक्षा विभाग में एक आदेश दो तरह से लागू किया जाता है, जिस आदेश के तहत बेसिक प्रश्न कार्यालय 50% उपस्थिति होती है। बेसिक कार्यालयों में अगर इस तरह से आप सीधे समझ लीजिए कि कंफ्यूजिंग रहता है चीज़ों को, कि जो आदेश आते हैं उनमें ऑनलाइन क्लास कही जाती है, तो ऑनलाइन क्लास तो घर पे से भी चल सकती है, ऐसा तो नहीं है स्कूल से ही चलेगी। और एक आता है कि जो सरकारी आदेशों का पालन के लिए, तो जब भी सरकारी आदेश का कोई कार्य होता है सरकारी, तो उसको करने के लिए उपस्थित हो जाता है। तो इस तरीके से भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, जिससे शिक्षक भी थोड़ा सा स्कूल नहीं जाता है। लेकिन इस तरह से लगातार जैसे छापेमारी की स्थिति है, इसलिए ये संभावनाएँ हुई हैं। तो इसीलिए शिक्षक संघ भी कह रहे हैं कि ये रोस्टर लगा दो, बच्चे नहीं आ रहे हैं इफर। तो वो कुछ लोग तो टीचर यही कहते स्कूल ही खोल दो, ठीक है हमारे लिए तो सही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो, तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बढ़िया, नमस्कार।